बीच एक बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने बड़ा आरोप ममता बनर्जी पर यह कहकर लगाया कि ममता बनर्जी धर्म की राजनीति कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी के बंगाल अध्यक्ष ममता बनर्जी पर आरोप लगा रहे हैं कि ममता बनर्जी धर्म की राजनीति कर रही है। दरअसल ममता बनर्जी की कल पुरुलिया की चुनावी सभा में तमाम धर्मों के धर्मगुरु मौजूद थे और ममता बनर्जी ने कहा था कि ये सब हम सर्वधर्म संभाव की भावना से कर रहे हैं। क्या हुआ, लोग उनको रिजेक्ट कर चुके हैं, अब दोनों थे एक स्ट्राइकर तो रिजेक्ट हो गए, अब उनकी अब बारी है, अब आगे देखा जाएगा, पब्लिक डिसीजन लेगी। सर कल है ममता बनर्जी ने अपना बंगाली मेजर मेजर के चाहे उसमें दिखाया गया है सभी धर्मों के लोगों को और कहा गया है कि अगर संस्कृति बंगाल की कोई बचा सकता है ममता बनर्जी, और इसके साथ उन्होंने तंज भी किया है बीजेपी पे, कहा है बरगी विदा लेंगे। देखिए हमको बोलते हैं कि हम धर्म का राजनीति करते हैं, लेकिन राजनीतिक जुलूस में धार्मिक नेताओं का क्या काम है, कौन धर्मों को लेकर राजनीति कर रहा है, क्या दिखाना चाह रहे हैं? आपको लोग डेवलपमेंट के लिए वोट दिया है, जिताया है, आप मस्जिद में जाएंगे नमाज पढ़ेंगे, आजकल मंदिर में जाना शुरू किया है, इमाम भत्ता फिर पुरोहित भत्ता, तो ये कौन सा है? समाज धर्म का निर्णय लेगा, आपको तो लोगों का विकास की काम करनी है, वो नहीं कर पाए आप लोगों ने, तो इसलिए धार्मिक चोला ओढ़ करके जीतने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि लोग सब समझते हैं, इसलिए चालाकी का राजनीति अब बंद होना चाहिए, अब हो ही जाएगा इस बार। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो, ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पहनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की, जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की, तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़।